सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौल ने अपने फेयरवेल स्पीच में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम सरकार के लिए फंड कलेक्टर्स हैं, स्टेक अहम नहीं है, कानून का सिद्धांत जरूरी है। इस अदालत ने न्याय दिया है जैसी उम्मीद रहती है पक्षपात के डर के बिना। अगर जज दूसरे हितधारकों और संस्थानों से साहस की उम्मीद करता है तो उसे भी निर्भीक होना जरूरी है। न्यायाधीश की निर्भीकता बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अगर हम मौजूद संवैधानिक सुरक्षाओं के साथ इसे प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है तो प्रशासन के बाकी हिस्सों में ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। संजय किशन कौल ने आगे कहा कि अदालतें न्याय का मंदिर हैं और इसके द्वार वादियों के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुकदमे के लिए आखिरी विकल्प होता है। वादी खासकर जब इस अदालत में पहुंचते हैं तब तक वो मुकदमा लड़ते लड़ते थक चुके होते हैं। हालांकि वकील और न्यायाधीश उनके लिए मौजूद रहते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय की देन है कि न्याय तक पहुंच हर समय निर्बाध रही है। अपने विवादों के समाधान के लिए इस अदालत का दरवाज़ा खटखटाने वाले वादियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ न्याय प्रदान करते समय हमारे दिमाग में सबसे अहम होनी चाहिए। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति कौल सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर 6 साल 10 महीने से ज़्यादा के कार्यकाल के बाद 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 18 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो शुक्रवार को कौल का आखिरी कार्य दिवस था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।